Hey everyone, welcome back once again to my YouTube class. I'm Manjeet Rawat, your online instructor. And in this class, I'm going to help you to understand about serverless technology or serverless computing. As you know that each and every cloud provider can give us option to set up our infrastructure by choosing the technology of serverless. So as a cloud engineer, it's our responsibility. We should know about the actual meaning. And we should know about how many services are available over a cloud portal. Those services are correlated to the serverless technology. Fine, so ये अपना agenda है आज की इस class में. हम serverless technology के बारे में ही बात करने वाले हैं. और I'm going to help you to understand about serverless computing or serverless services over Amazon Web Services, AWS portal के ऊपर. वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो सर्वरलेस के रूल को या सर्वरलेस के मेथड को फॉलो करते हैं. ठीक है, सो लेट्स मूव आवर सेल्फ टू व्हाइट बोर्ड और समझने की कोशिश करते हैं सर्वरलेस कंप्यूटिंग के बारे में. बट उसके पहले, अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, टीच मी क्लाउड के चैनल के ऊपर आप पहली बार विजिट किए हैं, तो यू कैन सब्सक्राइब इट, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए. तो डेफिनेटली अगर आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो हर दूसरे दिन आपको एक यूनिक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आप अपने आप को अपग्रेड करते रहोगे. राइट, चलिए मूव करते हैं हम अपने स्क्रीन पे. आगे हम अपने व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड की बात कर लेते हैं. यहां पे हम एजेंडा बता देते हैं कि आज का एजेंडा है व्हाट इज सर्वरलेस. ठीक है, हम यहां पे बात करने वाले हैं व्हाट इज सर्वरलेस. सो बेसिकली सर्वरलेस इज अ टर्मिनोलॉजी, आर यू कैन से दैट इट्स अ टाइप ऑफ मेथड दैट हेल्प अस टू सेट अप आवर इंफ्रास्ट्रक्चर. टू अंडरस्टैंड अबाउट द सर्वरलेस, यू शुड नो अबाउट द गैप बिटवीन सर्वरलेस एंड सर्वर फुल. ठीक है, जैसे सर्वरलेस है वैसे सर्वर फुल सर्विसेज होती है. एंड आई एम गोइंग टू कंपेयर इट सर्वरलेस, सर्वर फुल एंड सर्वरलेस. राइट, ये थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. सो थिंक अबाउट, लेट्स टेक अ एग्जाम्पल ऑफ EC2 इंस्टेंस, क्योंकि AWS पोर्टल के ऊपर हम EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं. S3 बकेट नेटवर्किंग, मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल दैट वी कैन परचेज. तो EC2 इंस्टेंस का एग्जांपल लेते हैं. जब आप EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं ना, तो यू आर एबल टू फाइंड मेथड ऑफ ऑन डिमांड. आप डेडिकेटेड, राइट, डेडिकेटेड इंस्टेंस पे जा सकते हैं और रिजर्वेशन पे जा सकते हैं. इन तीनों मेथड के जरिए हम अपने EC2 इंस्टेंस को क्रिएट कर सकते हैं. बट थिंक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली हैपन विद सर्वर फुल कंप्यूटिंग या सर्वर फुल सर्विसेज. जब आप अपने सेटअप को, मीन्स वर्चुअल मशीन्स का ही एग्जांपल ले लेते हैं, जब आप अपने वर्चुअल मशीन को इनमें से किसी एक मेथड के थ्रू क्रिएट करते हो, तो AWS क्या करता है, बैकएंड में एक हाई कॉन्फ़िगरेशन का होस्ट एस्टैब्लिश कर रखा है और इस होस्ट के जरिए आप EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हो. राइट, ये आपका पोर्टल हो गया, ये AWS का पोर्टल हो गया और ये बैकएंड हो गया AWS का डाटा सेंटर. ठीक है, नाउ जब आप इंस्टेंस क्रिएट करते हो, जब आप EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हो विद द हेल्प ऑफ ऑन डिमांड और विद द हेल्प ऑफ डेडिकेटेड, सो यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज ऑल सेटिंग्स. ठीक है, आपको प्रोविजनिंग से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स है वो आपको खुद से मैनेज करनी पड़ेगी. रैम की बात करें, इंक्रीज करने की, डिक्रीज करने की, हार्ड डिस्क अटैच करना है, डेटा डिस्क अटैच करना है, यू कैन परफॉर्म द मैनुअल. सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी आपको मैनुअल परफॉर्म करना पड़ेगा. एंड अदर टास्क की बात करें तो यू नीड टू पे फ्रॉम द डे वन, पे फ्रॉम डे वन. जिस दिन से आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट किया है ना, उसी दिन से आपकी बिलिंग जो है ना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं कि सर्वरलेस क्या है, सर्वरलेस किस तरीके से टास्क परफॉर्म करता है. जब भी आप कोई सर्विस परचेज करते हो, लेट्स टेक अ एग्जांपल, EC2 का ही एग्जांपल क्रिएट करते हैं यहां पे सर्वरलेस के केस में. बेनिफिट्स की बात करें या इसके एडवांटेजेस की बात करें, सर्वरलेस के केस में नो
provision are management required, MGMT required. आपको कोई भी अपनी तरफ से सेटिंग्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. पे एज पर कंजप्शन, ठीक है, पे एज पर द कंजप्शन. कंजप्शन इन द सेंस कि आपका हार्डवेयर जितना कंज्यूम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग पे करेंगे. यू विल फाइंड इट बिल्ड इन सिक्योरिटी. मीन्स ऑन प्रमाइसेस के केस में क्या होता है, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म द पैचिंग एक्टिविटी जो आपको मैनुअल करनी पड़ेगी. AWS सर्वरलेस के केस में ये आपको बिल्ट इन सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. पैचिंग का कोई हेडेक नहीं, हार्डवेयर में कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी जिस दिन से आप मशीन को परचेज करोगे. पे एज पर द कंजप्शन को समझना थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं कि किस तरीके से काम करता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ सर्वरलेस, ठीक है, आपने एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया सर्वरलेस के थ्रू, और इस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर ई कॉमर्स की वेबसाइट एक आपने होस्ट कर दी, ठीक है. इस पे आपने क्या किया, एक ई कॉमर्स की वेबसाइट को आपने होस्ट कर दिया. नाउ इन द डे, इन द स्टार्टिंग डेज, वेबसाइट आपकी नहीं थी तो आपको हार्डली 500 to 700 हिट्स ही आ रहे थे, ठीक है. हिट्स इन द सेंस कि इतने ही कस्टमर आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहे थे डेली बेसिस पे. तो अब जब ये हार्डवेयर ये हिट है तो इसमें हार्डवेयर कंजप्शन बहुत ही कम होगा, मे बी 2 GB 2 कोर ऑफ प्रोसेसर और अप टू 120 GB ऑफ HDD, ठीक है, हार्ड डिस्क टाइप. तो स्टार्टिंग के डेज में आपको इस कॉन्फ़िगरेशन का पेमेंट करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, इसकी मंथली कॉस्ट हो गई, इस कॉन्फ़िगरेशन के भी पे यू हैव टू पे द अमाउंट ऑफ 2000 rupees पर मंथ अकॉर्डिंग टू दैट. एंड आफ्टर फ्यू डेज सेम ही मशीन का जो है, सेम ही सिस्टम जो है, सेम ही वेबसाइट जो आपने इस्टेब्लिश कर रखी है, इसमें आपको कम से कम 25,000 to 30,000 का हिट आने लगा डेली बेसिस. कहाँ 500-700 से लेकर के 25,000 to 30,000 का हिट्स आने लगा. इट मीन्स दैट इसमें रैम की और कंजप्शन की जरूरत पड़ेगी. रैम आपकी 2 GB से बढ़कर के 16 GB हो गई. प्रोसेसर का जो यूसेज 2 कोर का था वो 8 कोर का प्रोसेसर हो गया. हार्ड डिस्क में 300 GB की हार्ड डिस्क जो है रिक्वायरमेंट होने लगी. अब नाउ यू हैव टू पे द अमाउंट अकॉर्डिंग टू द हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन. जो आपका हार्डवेयर अभी ये लेटेस्ट है इसके अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ेगा. 2000 पहले पे कर रहे थे पर मंथ के हिसाब से, एंड नाउ यू हैव टू पे अप्रोक्सीमेटली 15K to 20K. आपको जो पेमेंट पे करना है अभी मंथली बेसिस पे 15 to 20K. बेनिफिट इसमें क्या हुआ, बिना कोई चेंजेस के, बिना कोई एक्टिविटी किए आपका जो हार्डवेयर है ना वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा एज पर द कंजप्शन. सो इसमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, मॉनिटर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. बट यू कैन, इफ यू वांट टू परफॉर्म द टास्क यू कैन डू दैट. उम्मीद है सर्वरलेस कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा. अब बात करते हैं एग्जांपल्स की, ठीक है, कि सर्वरलेस कंप्यूटिंग बेस्ड पे, सर्वरलेस बेस्ड पे कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो AWS पोर्टल पे हमें मिलती है. AWS सर्वरलेस सर्विसेस, ठीक है, वी शुड नो अबाउट द नेम ऑफ सर्विसेज जो सर्वरलेस हैं. स्टार्ट करते हैं कंप्यूट से, सेग्रीगेट कर देते हैं इनको कैटेगरी वाइज. कंप्यूट के केस में आपको देखने को मिल जाएगा AWS का लैम्डा फंक्शन, दूसरा आपको मिल जाएगा AWS का फारगेट. ये जो सर्विसेज आपके कंप्यूट में काउंट होंगी. दूसरा आई एम गोइंग टू सेग्रीगेट मीन्स कैटेगरी वाइज कंप्यूट में ये दो सर्विसेज हो गई. एप्लीकेशन इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन के केस में क्या क्या आएगा. इन दिस केस यू कैन से दैट AWS SQS,
AWS की SNS सर्विस और AWS का API गेटवे। ये तीन सर्विसेज आप बोल सकते हैं कि ये सर्विस लेस कंप्यूटिंग में कॉमन काउंट की जाती हैं, जो एप्लीकेशन इंटीग्रेशन में हमारी मदद करती हैं। चलिए एक बार बात कर लेते हैं डेटा स्टोरेज के केस में क्या क्या मिलेगा हमें। इन केस ऑफ डेटा स्टोरेज मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लेकिन हम अभी यहां पे दो या तीन के बारे में बात करेंगे। S3 बकेट, ठीक है। दूसरा है EFS इलास्टिक फाइल सिस्टम, और नंबर थर्ड पे यू कैन से दैट DynamoDB, नंबर फोर्थ AuroraDB, ठीक है। तो ये अपने पास जो एग्जांपल हमने आपको बताए, ये सभी क्या हैं, इन सभी को आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये सभी सर्वर लेस कंप्यूटिंग के बेस्ट एग्जांपल है, सर्वर लेस टेक्नोलॉजी के बेस्ट एग्जांपल है। उम्मीद है आपको हर एक स्टेप प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो प्लीज कमेंट ड्रॉप करो, डेफिनेटली विल हेल्प यू। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, डिस्कस करते हैं मोर कोर टेक्नोलॉजी अबाउट द क्लाउड कंप्यूटिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर।